नाचती है पीछे नचाती है रोटियां। तारा इस रोटी के लिए मानव हर काम करता है। और महाराज इधर भगवान ने कहा है कि तुम ऐसा करो, अब हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते, और देवताओं से भी हमने वो लोग छुपा करके रखा है आपके लिए, इसलिए अब आप कुछ दिन तक राज्य करो, उसके बाद में हमारे धाम के लिए चले आना, धर्म तारा नाम से आप जाने जाओगे। महाराज आज इधर इंद्र से कहा है कि मेरे भक्त धर्म को ऐरावत हाथी पर ले जाओ। अब धौरव ऐरावत हाथी पर बैठ गए, उधर से तो पैदल पैदल भागते हुए आए थे, अब इधर ऐरावत हाथी पर। अब जैसे ही ऐरावत हाथी पर पहुंचे गांव में, अब गांव के बुजुर्गों ने देखा कि धौरव आ गया है, भगवान का दर्शन करके लौटा है। अब वैसे महाराज अगर भगवान का दर्शन न हो पाए, भगवान के भक्त का दर्शन हो जाए ये भी बहुत है, तो समझ गए चलो अब ध्रुव का दर्शन हो जाएगा, यही बहुत है, जीवन धन्य हो जाएगा। सब ध्रुव का दर्शन करने के लिए चलो, तो जैसे ही बुजुर्गों को पैदल चलता हुआ देखा तो ध्रुव जो थे उतर गए ऐरावत हाथी से, बोले मैं भी पैदल पैदल चलूंगा। एक छोटे से बच्चे में इतना बड़ा शिष्टाचार। महाराज इस कलयुग में बात ही न करो, वैसे तो हमारे नौजवान जो है वो तो बुजुर्गों से कभी राम राम राधे श्याम कोई मतलब ही नहीं करते ही नहीं है, और कई बुजुर्ग इनसे कर भी दें राम राम सीता राम राधे श्याम, तो ये समझते हैं कि हम कुछ हो गए हैं इसलिए हमसे राम राम कर रहे हैं। अब वैसे तो राम राम राधे श्याम सीता राम सब गई, अब तो गए हैं टाटा बाय बाय, और एक नई और चली, कौन सी, हाय हाय बहुत अंतर हो गया। अच्छा जब पहले किसी के पैर छुए जाते थे तो अपना सर जो है दूसरे के पैरों पर रख देते थे, तब माने जाते थे पैर छुए, लेकिन अब तो एक ही हाथ से पैर छुप जाते, और भला पैरन लोग पहुंचे पर ही छू लेते, और बड़ी बड़ी सटन में देखी हो तो वे एक दूसरे के पेट ही छू ले तो बस पैर छुप गए। अच्छा पहले घर में कोई रिश्तेदार आता था तो उसे बड़ी दूर विदा करने के लिए जाते थे, कहते थे राम राम अब फिर कभी आना घूम जाना, और अब तो घर में ही बैठे ही बैठे अब रिश्तेदार बाहर निकल गए, वहीं से कर दी टाटा, मतलब आए सो आए अब कभी मत आना।
है। और घर में रिश्तेदार आ जाए तो अगर आपने दूध मट्ठा दही खूब खिलाया खूब पिलाया तो बाहर जाएगा तो यही कहेगा वहां गए तो कुछ नहीं बस ऐसे ही, आपका मतलब भलाई नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा तो भलाई भी नहीं करेगा। और महाराज अगर कोई रिश्तेदार आ जाए और आते ही आते आपने चाय पिला दी तो वो कहेगा जाकर के वहां गए थे बड़े बड़ी आदमी है, जाते ही जाते चाय मिल गई है, चाय दूध पिला दिया उसका कोई नाम नहीं, मट्ठा पिला दो दही पिला दो कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो महाराज पहले और अब में बहुत अंतर हो गया बताया। मनाया जाता था तो किसे बुलाया जाता था, बहन और भांजी को, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब घर में अगर कोई उत्सव होता है पहले उत्सव जब होता था घर में बहन बुलाई, बड़ा अंतर हो गया। इधर धर्म जो है तो